इस्लामाबाद से तकरीबन 76 किलोमीटर के फासले पर वाके क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सूबा पंजाब पाकिस्तान में दरिया के बहाव पर तामीर किया गया कंक्रीट कोर रॉक फिल ग्रेविटी डैम है। ये दरिया जेहलम के लिए बनाए गए 5 झरने वाले हाइड्रो पावर स्टेशनों का चौथा दर्जा है। ये मंसूबा सिल्क रोड फंड का पहला सरमायाकारी का मंसूबा है और ये सीपैक का हिस्सा भी है। इसे क्रोट पावर कंपनी तैयार कर रही है जिसमें 3 गॉर्जेस साउथ एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड शामिल है जो चाइना 3 गॉर्जेस कारपोरेशन का एक ज़ेली अदारा है और पाकिस्तान एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज भी इस मंसूबे में शामिल है। ये पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसकी माली आहानत चाइना सिल्क रोड प्रोजेक्ट ने की है। The company has worked very hard with the full... हमारी कंपनी हमेशा इस मंसूबे के लिए पूरी लगन और बहुत मेहनत के साथ काम करती है। ये भी हमारी कोशिशों की बदौलत है कि तकरीबन 1.7 बिलियन अमरीकी डॉलर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग तेजी से अमल में लाई गई है और 2016 से पूरे प्रोजेक्ट की तामीर मुसलसल आगे बढ़ रही है। इसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट ने तमाम कौमी और बैन अलाक्वामी माहौलियाती मेयारात की पाबंदी की है। मुझे यकीन है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौमी ग्रिड को मुस्तहकम सस्ती और काबिले एतमाद बिजली फराहम करने के साथ साथ कम्युनिटी के मेयार जिंदगी को भी बेहतर बनाएगा। लूदोंग शिंग ने 2014 से क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए काम किया। शुरू से ही उन्हें और उनकी टीम को जमीन के हुसूल, मसमारी और दोबारा आबादकारी जैसे कठिन मसाइल का सामना हुआ। अब चूंकि पावर स्टेशन तजारती ऑपरेशन शुरू करने के करीब है लिहाजा वो इंतहाई फख्र महसूस कर रहे हैं। दरिया स्पिलवे से बह रहा है। स्पिलवे के पीछे 95.5 मीटर ऊंचा रॉक फिल डैम है। 720 मेगावाट की नस्ब शुदा सलाहियत के साथ क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सालाना तकरीबन 3.2 बिलियन किलोवाट घंटे से ज्यादा साफ तवनाई फ्राहम कर सकता है। सालाना 3.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को कम कर सकता है और तकरीबन 5 मिलियन मुकामी आबादी की बिजली की तलब को पूरा कर सकता है। स्पिलवे में जो है ना हमारे पास तकरीबन आज की डेट से 790 क्यूसेक्स पानी जो है फ्लो हो रहा है। अगर हम स्पिलवे के पीछे की अगर बात करें तो हमारे पास हमारा डैम है जो आसफल्ट कोर रॉकफिल डैम है जिसकी हाइट 95.5 मीटर्स है और इन दोनों के दरमियान जो है हमारा पावर हाउस है जिसमें हमारे पास 4 फ्रांसिस टर्बाइन्स लगे हुए हैं। हर एक टर्बाइन की जो कैपेसिटी है वो 180 मेगावाट्स है और कंबाइंड जो कैपेसिटी है वो 720 मेगावाट्स है। इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो चीप ग्रीन और क्लीन एनर्जी है उसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में पॉसिबल होगी और उसके साथ साथ पाकिस्तान में 3.5 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी इमिशंस की जो है वो कमी होगी और उसके अलावा डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान के एक एनर्जी मिक्स के लिए हाइड्रो पावर जो है वो हमारी आवाम में भी बहुत मकबूल है और डेफिनेटली एक चीपर और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है तो हर हवाले से ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है। सब्ज और सस्ती तवानाई के साथ साथ इस मंसूबे ने मकामी लोगों को रोजगार भी फराहम किया है। तामीर के अरूज के दौरान यहाँ तकरीबन 5,000 लोग काम कर रहे थे। पाकिस्तानी मुलाजमीन का औसत हिस्सा 75% से ज्यादा है जो महारत के कई शोबों से ताल्लुक रखते हैं। अरसलान खान इन नौजवानों में से एक हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में शमूलियत अख्तियार की। इसने जुलाई 2014 से इस मंसूबे पर काम किया जब इसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की। अब वो तरक्की करता हुआ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर बन गया है। जी जी, वो तो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस था। वो आज से कोई 8 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया उसको और उस टाइम पे मैं फ्रेश ग्रेजुएट था, मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। थोड़ा सा टाइम मैं काम कर रहा था एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट डिफरेंट था। वहाँ मैं चाइना 3 गॉर्जेस के साथ काम कर रहा हूँ, तो ये वो कंपनी है जिन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट लगाया है 22,500 मेगावाट्स का। तो चाइनीज़ कंपनी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा है क्योंकि हम एक तो हमारा अपना प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े स्केल का प्रोजेक्ट है। इस मंसूबे ने मुकामी कम्युनिटी के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने और 655 मिलियन रुपए की लागत से कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट प्लान को भी सबसे ज्यादा अहमियत दी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस मंसूबे से मुकामी कम्युनिटी को फायदा पहुंचे। मंसूबे के तहत आसपास के इलाकों में सेहत, तालीम,
पीने के पानी की सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाया जा रहा है। डैम बनने से हमको ये सहूलियत मिले, रोड में मतलब है बन गया पक्का। पहले तो हम इधर पहाड़ियों कस्यू से आ रहा था, तभी तो ये सहूलियत मिल गई। अभी रोड जो है ना आ रहा है बिल्कुल समझी कि घर तक, तो ठीक है। जिस टाइम बैठे भी आ जाता है तो जो है ना हमको कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो ये भी डैम की तरफ से हमको बहुत बड़ा जो है ना ये मतलब है सहूलियत मिला है जी। एक रोड पावर प्रोजेक्ट बनने से पहले जो हमको मुश्किल थी, वो सबसे पहला ये मुश्किल थी कि हमका ये रास्ता बहुत मुश्किल में था। तो हम ये सिंगल रास्ता था, हम जब कोई आदमी बीमार होता था तो हम कंधे में उठाकर लेकर जाते थे, चरपाई में भी उठाकर लेकर नहीं जा सकते थे। जब ये करोड पावर प्रोजेक्ट बना तो हम लोगों को ये रास्ता दिया, उन्होंने रोड बनाकर दिया और ये स्कूल बनाकर दिया। अब तक पंजाब और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 11 मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, 3 मनसूबे ज़ेर तामीर हैं और 4 मनसूबे पाइप लाइन में हैं, जो मजीद मुस्बत तब्दीलियां लाने का बायस बनेंगे। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद एक तो ये है कि जो हमारा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट प्लान जब मुकम्मल होगा तो उसमें हमने यहाँ पे बिल्कुल करीबी इलाकों में स्कूल्स बनाए हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट बनाए हैं, हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया है और जो राबता सड़कें हैं उनको हमने बेहतर किया है। और उस वजह से जो मुकामी लोग हैं उनको सेहत और सफाई की सहूलतें बेहतर मैसर आई हैं। दूसरे इनके यहाँ पर रोज़गार इनको बेहतर तरीके से मिला है। तीसरा एक हमारा एक प्रोजेक्ट है मतलब CSR प्रोग्राम के तहत हमारा जो CTG ग्रुप है उसने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिया है, जो इलाके के जो नौजवान हैं जो यंग यूथ है उसके लिए उन्होंने एक BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत पहले 2 साल पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसके बाद दो साल बच्चे चाइना में तालीम हासिल करते हैं। उसके तहत अभी तक हमने 33 स्टूडेंट्स को मुंतखब किया है, जिसमें से 18 अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं और आने वाले सालों में और बच्चे इस प्रोग्राम के तहत अपनी तालीम हासिल करेंगे।